हेलो नमस्कार है आप सभी का अलड़िया एजुकेशन हब पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आज हम करने वाले हैं 15 फरवरी 2022 की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस विषय का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है 14 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना की शुरुआत की है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर बने लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के लिए किस हल्के लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर है स्वदेश निर्मित तेजस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल बजाज का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो इसका राइट आंसर है बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से हेकाथोन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, ये कहाँ है, शिमला में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई के मालाबार हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा किसने की। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने, राजेश टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ESPN क्रिक इन्फोटेस्ट बेंटिंग अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है देवाशीष मित्तल।